चुनाव के दूसरे दिन 27 अध्यक्ष पद तो 46 सदस्य पद के लिए दाखिल किया नामांकन। समर्थकों ने खूब उड़ाया गुलाल अबीर। पैक्स चुनाव के नामांकन को लेकर प्रखंड मुख्यालय परिसर में मेला सा नजारा था। अभ्यर्थियों के साथ दर्जनों समर्थक उसके साथ थे। अभ्यर्थी अपना नामांकन पर्चा जमा कर जैसे ही बाहर निकलते थे, उसके समर्थक उसे माला पहनाकर जिंदाबाद का नारा लगाकर एक दूसरे को अबीर लगाकर जीत का दावा भी ठोक रहे थे। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो आशीष कुमार ने बताया कि नगर प्रखंड क्षेत्र में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन अध्यक्ष पक्ष के लिए 27 तो वहीं कार्यकारिणी सदस्य के लिए 40 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा भरा। 27 अध्यक्ष पद के लिए अभ्यर्थियों में 4 महिला तो वहीं कार्यकारिणी सदस्य के 46 अभ्यर्थियों में 18 महिला शामिल है। पैक्स अध्यक्ष पद के लिए गणेशपुर पंचायत से मोहम्मद अफताब आलम एवं शालीग्राम यादव, नगर पंचायत कोहबारा से अनिल कुमार, बिटनोली पूर्व पंचायत से मोहम्मद इजहार फौजी एवं मोहम्मद गफ्फार, परूरा पंचायत से चंद्र किशोर साह, सहारा पंचायत से बीरबल यादव, चुन्नी संबरार पंचायत से मोहम्मद चुन्नू वसीर एवं मोहम्मद सज्जाद आलम एवं मोहम्मद अलीमुद्दीन, पोठिया रामपुर पंचायत से रविंद्र कुमार यादव एवं अजमल हुसैन के साथ अन्य लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया प्राधिकार के निर्देशानुसार 15 नवंबर शुक्रवार को नामांकन पर्चा जमा नहीं लिए जाएंगे तथा 16 नवंबर शनिवार को नामांकन का अंतिम दिन है। नामांकन को लेकर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी से बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद सेंखे की, पदाधिकारी कृष्ण कांत चौधरी, प्रखंड शर्म पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के पद के लिए लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन की प्रक्रिया को लेकर सद्भावना मंडप परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई है। गणेशपुर पैक्स अध्यक्ष पद पर किए हैं नॉमिनेशन। क्या मुद्दा के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं? मुद्दा है कि पैक्स से जो भी अभी हमारे वर्तमान में थे पैक्स अध्यक्ष, उसे किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। जैसे खाद उपलब्ध कराना हो गया, ट्रैक्टर से खेत समय पर जुताई हो गया, और धान काटने का जो मशीन उपलब्ध कराया है वो समय पर उपलब्ध किसान को नहीं हो पाता है। ऋण जो है किसान को सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, और वोटर लिस्ट में भी जो है बहुत गड़बड़ी हुआ है। एक ही परिवार से अध्यक्ष जो है नाम जोड़ दिया गया है, जबकि गणेशपुर पंचायत में 15,000 का जनसंख्या है वोटर लिस्ट के हिसाब से। तो सरकार का नियम है कि हर घर से कम एक सदस्य होना चाहिए, लेकिन गिन चुन करके कुछ ही परिवार का सदस्य है। तो जब हम आएंगे तो पंचायत के सभी घर से एक सदस्य का नाम जोड़ने का काम करेंगे, और समय पर खाद, समय पर जुताई किसान का, समय पर अगर सरकार ऋण देती है तो उसको ऋण दिलाने का, कम ब्याज पर जो सरकार का प्रावधान है दिलाने का काम करेंगे। किस तरह का सहयोग मिलता था? हम तो कहते हैं कि एक परसेंट भी अगर मिलता जनता को, 25 साल से पैक्स अध्यक्ष है, 25 साल में हमको एक भी आदमी अगर पंचायत में बोल दे कि एक मरतबा खाद किसी को बांटा है, कम से कम खाद, ट्रैक्टर का जुताई करेगा, ट्रैक्टर का जुताई वो उसको अपना खेत जोतने से फुर्सत नहीं होता, तो किसान का क्या खेत जोतेगा। उसके बाद सबसे मेरे पंचायत में जो क्या कहता है भ्रष्टाचार हुआ है धान खरीद अधिप्राप्ति में, धान जिसका भी धान लेता है पैक्स अध्यक्ष उसको समय पर पैसा नहीं देता है। सरकार का नियम है कि आप धान दीजिए पैक्स को और रजिस्टर्ड कराइए, रजिस्टर्ड कराने के बाद 48 घंटा के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। लेकिन ये पैक्स अध्यक्ष जो है इतना हेरा फेरी करता है, 5 लोगों का अपना मतलब जो है रजिस्टर्ड करा लेता है, धान किसान से लेता है, पैसा अपने अपने लोगों के खाता में मंगवाता है, उसको अपने यूज में कर लेता है, और सरकार जो पैसा उसको राशि उपलब्ध कराती है जो सीसी होता है कि आप किसान का धान खरीदिए और उसको नगद पेमेंट कीजिए, उस पैसे को भी अपने मशरब में खर्च कर लेता है, जिसका नतीजा ये है कि हर बार वो डिफॉल्टर होता है। अभी भी मेरा पैक्स जो है डिफॉल्टर है, पिछले 2022 से उसको धान अधिप्राप्ति का मतलब आदेश नहीं है, गंगेली पैक्स को टैग किए हुआ है। हमारा किसान जो है गणेशपुर का इधर उधर भटकता है, किसी को डर से धान नहीं देना चाहता है। क्या परिवर्तन के लिए अपील करेंगे? क्या अपील?
परिवर्तन के लिए यही अपील करेंगे कि अध्यक्ष बदलिए, सही समय पर एकदम सही काम लीजिए। मेरा एकदम रहेगा नियम की जो सरकार का नियम लागू है उसके अधीन काम करेंगे। हाँ एकदम उतारा जाएगा, हमको कोई लोभ लालच नहीं है। मेरा नाम है मोहम्मद आफ्ताब आलम, पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी हैं। पूर्व में भी रहे थे, थोड़ा थोड़ा वोट से हारे थे। सरपंच का भी हम चुनाव लड़े थे, उसमें भी थोड़ा वोट से हम हारे थे, इन्हीं लोगों के चलते। आज हम नगर पैक्स कोवरा के लिए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं। तो इसमें आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं चुनाव? जाहिर सी बात है, किसानों की जो समस्या है वो हम लगातार 5 वर्षों से अध्ययन करने के बाद, किसानों की जो तकलीफ है, खादों की समस्या है और धान खरीद का कोई मुद्दा नहीं है। मेरा जो पैक्स है कोवारा नगर पैक्स, वो पूरी तरह निष्क्रिय है। उसी मुद्दे पर हम आदमियों के बीच है और किसानों का जन समर्थन मेरे साथ है। लोगों के जो किसान है वहाँ के, उनका जो कहना है कि समय पे खाद नहीं मिल रहा है, ट्रैक्टर की भी व्यवस्था है और जो धान का खरीद फरोख्त लेना देना हो तो वो भी समय पे नहीं हो पा रहा, नहीं मिल रहा है, उसमें क्या, उस मुद्दे को लेकर आप क्या उठा रहे हैं? बस वही मेरा मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है वही मेरा मुद्दा है। मेरा पैक्स जो है बिल्कुल धान की अधिप्राप्ति नहीं की पिछले 5 वर्षों में, न किसी को एक समय पर खाद मिला, न किसी तरह की व्यवस्था। अभी तो देखते हैं बहुत पैक्स में लेबलर का भी व्यवस्था आया हुआ है, जैसे हमारे बगल में बहुरा चल जाइए, ट्रैक्टर की व्यवस्था है, लेबलर की व्यवस्था है। तो मेरे पंचायत में ये सब निष्क्रिय है बिल्कुल। 5 साल जीत करके पूरा निष्क्रिय पैक्स तो किया गया, उसके लिए आम आदमी की जनता के आवाज पर हम उनके बीच हैं। अगर आप इस बार जीतते हैं, जनता अगर किसान आपको माला पहनाती है, सहरा सर पे पहनाती है, तो क्या करेंगे आप? बस किसानों की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, खाद का किल्लत नहीं होने देंगे कोवारा नंबर पैक्स में, और धान की अधिक प्राप्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। प्रत्येक किसान के घर पर जाके धान खरीद किया जाएगा। क्या परिचय? मेरा अनिल कुमार, नगर पैक्स कोवारा, बिटनौली पूर्व पंचायत के, और पैक्स अध्यक्ष चेयरमैन पद के लिए नामांकन किया मैंने, और हम सब समर्थक आकर के यहाँ आज नामांकन, जी नामांकन किया। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? जी मुद्दा है, चूंकि पैक्स का होता है किसान के सुविधा के लिए, हम किसान के सुविधा के लिए जितना भी हो सके खाद मुहैया कराना, उसके बाद बीज मुहैया कराना, कम कीमत पे ट्रैक्टर उसके खेत में चलवाना, जोत करवाना, और उसके बाद ऋण मुहैया करवाना, जो कि किसान को अभी मकई लगाने में दिक्कत हो रही है, उसको ऋण नहीं मिल रहा है, और पैक्स चेयरमैन का आदेश के हिसाब से अगर वो चाहेगा किसी को 1,50,000 2 लाख, वो 24 से 48 घंटा के अंदर किसी भी किसान को ऋण दे सकता है। वो ये आज तक हुआ? जी आज तक हुआ नहीं है। आप एक रिटायर्ड फौजी भी? जी सर। तो आप देश की सेवा की है जी, तो आपको लगता है कि आप अगर चुनाव में आए हैं तो आप देश के बदले जो है आप किसानों की, अपने समाज की सेवा करें, तत्परता दिखाएंगे? जी हम चाहते तो अपना पालन पोषण करके खाते पीते रहते, लेकिन हम समाज में से दूर रहे इतना दिन, इसलिए आप सोच रहे हैं कि समाज का सेवा करके ही समाज में ही रहे। हम बहुत दिन दूर रहे समाज से, 18-20 साल दूर रहे। देश की सेवा? जी देश की सेवा करके आए, समाज की सेवा करना चाहते हैं। है जी, वो आपसे कितना ताकतवर है, या फिर आपको लगता है कि किसी से प्रतिबंधी आपसे ज्यादा तेज है? हम तो नहीं लग रहा है सर कि हमारा कोई विरोधी हो सकता है। हमारी जनता जो समर्थक है हमारा, वो हमारा बहुत स्ट्रांग है, और हमको इंशाल्लाह जीता करके ही आगे बढ़ाएगा। तो वो सब चीज होगा इस बार? जी हाँ, इसमें सब्सिडी आधा गोदाम जो बनाने के लिए देता है सरकार, सब्सिडी आधा दे करके पैक्स चेयरमैन को बनाने देता है, क्योंकि गोदाम तो वो बना रखा है अपनी जगह, लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो सब्सिडी और कहीं भी गोदाम बन सकता है, उसका बना सकते हैं, तो गोदाम भी बनाए जी। तो आपको यहाँ की जनता, इस बार जनता आपको खड़ा की है, या फिर आप खुद? जी नहीं, गांव का समाज सबको सपोर्ट करके ही हमको खड़ा किए हैं, हम अपने मन से खड़ा नहीं हुए। इस बार चुनाव लड़ना? जी चुनाव लड़ना है, और सबका समर्थन मेरे साथ है। जहर आलम, बिटनौली पूर्व पैक्स अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार, रिटायर्ड फौज। जी रिटायर्ड फौज। इसे 1999 से लगातार हो रहा है, तो वहाँ के किसान आपसे कितना परसेंट खुश है? 90% खुश है। 90% 10% ही जो है जो खुश नहीं है, सिर्फ खाद का अभाव में 10% खुश नहीं है। आपके विरोधी आप पे आरोप लगाते हैं कि आपको समय पे खाद नहीं मिलता है, ना हमारा धान खरीद होता है, इसमें कितने खाद जो है ना, आपको बताए पहले ना, 10% जो है किसान को हम जो है खाद कम दे पाते हैं, खाद तो उतना मिलता नहीं है हमको जो 100% को खुश कर सके। एक बाप एक मतलब 5 बेटा को खुश नहीं रख सकता है, तो हम कैसे पूरे पंचायत को खुश रख सकते हैं? तो आप उसको भी खुश
करेंगे इस बार? हाँ, इस बार जीतने के बाद जब पूरा प्रयास करेंगे वो भी 10% जो है कुल हो जाए। अच्छा, वो ट्रैक्टर का क्या मामला है? बोला कोई ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर उसे मिलता है, लोन नहीं दिला पाते हैं आप, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ट्रैक्टर तो जो है टैक्स में मिला हुआ है उसको। हाँ, जिसका जो है सालाना हम लोग 1.5 लाख रुपया सरकार को किस्त भरते हैं। हाँ, धान खरीद कर रहे हैं? हाँ, धान भी खरीद गई, अभी तो इलेक्शन का बंद है, इलेक्शन समाप्त होने के बाद जो है हम तो कोई लंबा चुनौती नहीं देख रहे हैं, कोई हमारे लिए कोई चुनौती नजर नहीं आ रहा है। जन सहयोग प्राप्त है पूरी तरह से, निर्विरोधी समझे आप? हाँ, वो तो समझिए कि निर्विरोधी एक तरह का है। क्या नाम? अब्दुल गफ्फार, पंचायत बटनोली पूरा पूर्व अध्यक्ष। तो आप वर्तमान में भी पैक्स अध्यक्ष थे? जी जी। तो कितना परसेंट आपकी आपसे जीतने के बाद किसान वहाँ 99% किसान वहाँ खुश है मेरे काम से? आप भी खुश है? जी जी। अगर इस बार फिर से आपको अगर किसान अपना समर्थन देती है तो इस बार क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? इस बार जो पिछले 5 साल में किए हैं उससे और ज्यादा बेहतर करने का कोशिश करेंगे। कभी भी 12 बजे रात को भी अगर मेरा जोड़ी पड़ता है, सिर्फ धान और खाद के मैटर में ही नहीं, किसी भी कोई भी कहीं की भी आकस्मिक घटना होता है, कुछ भी गरीब गुरबा के यहाँ कुछ भी होता है, वो हम खड़े उतरते हैं एकदम 12 बजे रात में भी। इस बार जो है वहाँ पैक्स गोदाम बनाया गया है? नहीं नहीं नहीं। तो इस बार बनाएंगे? जमीन कोई देने वाला नहीं है, इसलिए वहाँ पैक्स गोदाम नहीं बन रहा है। इस बार प्रयास करेंगे? हाँ, प्रयास करेंगे कि बने। अपने वोटर से क्या अपील? अपील करेंगे कि जैसे जैसे हमको 5 साल सहयोग दिया, मैंने अच्छे से काम किया, और इस बार उसे ज्यादा सहयोग करें तो और उससे भी ज्यादा हम बेहतर काम कर सकें। किसी प्रकार का कोई चुनौती है? कोई 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 किसी प्रकार का चुनौती नहीं है मेरे सामने। वो ये जनता आपको अपार जन समर्थन, 5,000 से ऊपर आदमी आया है मेरा मेरे नॉमिनेशन में, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए, सिर्फ अपना खर्च से सब आया है, 5,000 से ऊपर जनता है। ये एक आपसी प्रेम है, भाई जा रहा है, सहारा का बेटा को आशीर्वाद, सहारा के भाई को सबका आशीर्वाद है। क्या परिचय? बिरवाल यादव, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सहारा, एवं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी सहारा। अरे भैया, इनको क्या कहिएगा, हम इनके जनसमूह में सारे किसान आए हैं, हम लोग जितना पैक्स में धान दिए, चेक सिस्टम से विड्रॉल अकाउंट सिस्टम से पेमेंट किया, और 12 बजे रात में चाहे छोटा किसान रहे, बड़ा किसान रहे, मीडियम किसान रहे, हम लोग केवल एक कॉल कर देते थे चेयरमैन साहब, हमको 5 बोरा, 10 बोरा, 20 बोरा, 50 बोरा, हमारा घर तक खाद पहुंच जाता था, समझे। और किसी किसान को कोई भी समस्या अपने स्तर से ही निदान कर लेते थे, 10 दिन 5 दिन के बाद जितना टेलर का टेलर हम लोग धान देते थे, हम लोग चेक सिस्टम और अकाउंट सिस्टम से पेमेंट हो जाता था, घर पर पैसा चला आता था। इस बार कितनी बड़ी चुनौती है? इस बार इसके साथ कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती इनके साथ नहीं है, चुनौती यह सुप्रसिद्ध कैंडिडेट है सहारा पंचायत का है। हमको लगता है कि जब तक हमारा जिंदगी रहेगा ये अजर अमर चेयरमैन में रहते रहे, जनता इनको दे चुकी है, जनता सारे के सारे जनता यहाँ किसान का, जब सब किसान आए हैं इनके साथ में, कोई प्रकार का इनके पास दैट इज नॉट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्लियर जी, मेरा नाम रामकृष्ण पासवान, ग्राम सहारा, थाना के नगर, जिला पूर्णिया। गणेशपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं। क्या लगता है कि जितना जी सर उसका विपरीत है, इसलिए हमको फायदा मिलेगा सर? मुद्दा आपका क्या क्या रहेगा? मुद्दा विकास, सबसे पहले किसान को खाद बीज, किसान के हक में जो भी सामान उपलब्ध है सारा सामान उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास रहेगा मेरा। ऐसे भी पंचायत से बहुत 2006 से जुड़े हुए हैं, सभी के बीच जाके जहाँ जैसे जो बुलाते हैं उनके समक्ष जाके अपना सेवा देते रहते हैं। क्या लगता है कि वहाँ का जनता जो गणेशपुर पंचायत का वो आपको आशीर्वाद देगा? जी सर, पूरा आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तो जिताती है क्या, क्या क्या उनके लिए सरल कर देंगे जो 30 साल 25 साल 25 साल से जो है? हमारे यहाँ 60 साल से पैक्स अध्यक्ष उन्हीं के है, उनके पिताजी थे, उनके अभी लड़का है, और वो 60 साल में जो नहीं किए होंगे हम 5 साल में करेंगे, ये वादा हम करते हैं। शालिग्राम यादव, गणेशपुर पंचायत, पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी। आज हम पैक्स अध्यक्ष और मेरे पद के लिए नामांकन किए हैं जूनी स्तंभरार पंचायत से। तो आप वर्तमान में भी थे? पहले भी थे हम। इस बार कितनी चुनौती है? इस बार कोई चुनौती नहीं है, जनता मेरे साथ है, हम जनता का काम किए हैं,
तो आपको लगता है कि कोई चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है मेरे लिए। अगर आपको फिर किसान सभी लोग अगर आपको वोट करते हैं, फिर से आपको विजयी बताते हैं, तो इस बार क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? नया क्या काम है, जनता के लिए मैं धान जो खरीद है वो करेंगे, खाद देते हैं और पीडीएस जो मेरे पास है वो सेवा हम करते हैं जनता के लिए, सरकारी जो भी सेवा है वो लाभ मिले जी। तो आप ये बताइए कि अपने जनता से जो किसान भाई जो आपको वोट करते हैं उससे क्या अपील करें? अपील करेंगे कि फिर हम मैदान पे आए हैं, आप लोग मेरे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं। बढ़ चढ़ के चुनाव में जी जी जी। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद चुन्नू बसीर, पैक्स अध्यक्ष धोनी सम्राट। कोई चुनौती नहीं है, जनता बहुत जागरूकता हो गया है और जनता हर को कैंडिडेट को जिताता हराता भी है और जनता का उम्मीद पर हम खड़े उतरे हैं तो जनता हमको चुनबे करेगी, कोई चुनौती उनती नहीं है। आपको जो है 27 तारीख से 28 तारीख को काउंटिंग है, इस केस के नगर में सबसे अधिक मत से जीतने वाले चुन्नू उप सरपंच रहेंगे, चुन्नू चेयरमैन रहेंगे, वो जीतेंगे आपको। अरे भाई जीतेंगे कैसे नहीं, जनता का दुख सुख में हर वक्त खड़ा रहने का काम करता है, किसी का कोई तरह का 12 बजे रात में घटना दुर्घटना होता है तो चुन्नू दौड़ के जाता हॉस्पिटल, जनता तो उसी को ना वोट देगा। जनता हर जनता जानता है कि हम उस आदमी को चुन के लाए जो कि जनता हमारे सुख दुख में रहे, उसी को हम वोट करें। आप वो झांसे में मत रहिए, जनता आपको ना ठकने वाला नहीं है, जनता सब कैंडिडेट को ठकाने वाले हैं, जनता उसी को वोट देगा जो जनता की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे, उसी को वोट करेंगे, अधिक से अधिक वोट से उतरेंगे और कोई इसके सामने नहीं है टक्कर ऊपर। मेरा उप सरपंच मोहम्मद शौकत धुनीस तुमरार पंचायत अध्यक्ष पद के लिए किया हूँ। इस मुद्दे के साथ जा रहा हूँ कि पैक्स द्वारा जो विकास होना चाहिए मैं किसानों तक पहुँचाऊंगा और उनको सही समय पर खाद बीज एवं ट्रैक्टर से जुताई दोराई एवं जो है कि जो लोग वहाँ पे लोन से वंचित हैं उनको ऋण नहीं मिल रहा है किसानों को, जिससे खेती करने में उनको परेशानी होती है, उनको मैं ऋण भी दिलाऊंगा। अभी तक आपके जो पंचायत में उनकी तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, कुछ व्यवस्था क्या है? कुछ व्यवस्था नहीं है, ना तो किसानों को ऋण दिलाया गया है, ना तो ट्रैक्टर का प्रबंध किया गया है जो कि किसान को आधी कीमतों में जुताई हो सके और ना ही सही समय पर खाद बीज का उपलब्धि कराया गया है। जनता का क्या सहयोग मिल रहा है? जनता का ये सहयोग मिल रहा है कि आप जैसे प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में आएंगे तो ये आशा करता हूँ कि मैं वो लोगों का जो कहना है कि आशा करता हूँ कि आप मेरा काम करेंगे और हमारा जो लाभ है वो आप मेरे पंचायत तक लाए, भरोसा व्यक्त करते हैं। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मैं अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन किया हूं, आप लोग हमको निर्णायक वोटों से जिताइए और मैं आपके लिए हमेशा काम करूंगा और काम किया भी हूं और करता रहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद आलम हुआ, मैं पूर्व सरपंच हूं, मैं 10 साल सरपंच रहा हूं मेरे पंचायत का, अपने पंचायत का पद अध्यक्ष अध्यक्ष पद पर यूनि सम्राट से। क्या मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र जा रहे हैं? मुझे समाज का भलाई के लिए और क्या, अभी जो है समाज में ऐसा गंदगी है, हम तो 10 साल पूर्व भी रहे हैं ना अध्यक्ष, हम 10 से 19 तक रहे अध्यक्ष, इस बार हार गए थे तो इस बार फिर नॉमिनेशन किए। क्या लगता है जनता आप पर विश्वास जताएगी? इंशाल्लाह जरूर जताएगी, जब जताती नहीं है तो फिर जनता खुद हमको बोला कि आपको उठना है एकदम। अगर आप जीतते हैं तो फिर क्या क्या सुविधाएं मुहैया किसानों को कराएंगे? जितना भी पंचायत में सुविधा है सब मुहैया कराएंगे। उसके नाम उम्मीद पर खड़ा होते हैं? हाँ। क्या परिचय है? नाम मेरा मोहम्मद अलीमुद्दीन जूनी सम्राट। कौन पद के लिए? अध्यक्ष पद। कहाँ से? उठेरामपुर। पहले भी थे, आगे भी आपको नॉमिनेशन की, जनता से क्या अपेक्षा आपसे रखता है जनता और आप उनको क्या अपील करेंगे? जनता तो ये पक्ष में अपील करेंगे बढ़िया। तो पहले जो आप कार्य कर रहे थे अगर आप जीतते हैं तो फिर क्या उससे बेहतर करेंगे? बेहतर करेंगे, खाद बीज उर्वरक के साथ जोत आबाद सब चीज का मामला इसमें आता है, तो लोग कितना अपेक्षाकृत है आपसे? अपेक्षाकृत तो पूरे हैं। आप क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे,
अपील करेंगे कि हमको मत दीजिए, जिताइए, फिर हम भविष्य में आपको हाँ करेंगे। हाँ अपील तो करेंगे ही। क्या परिचय है आपका? रविंद्र कुमार यादव। हाँ से कौन? पोठियारामपुर पंचायत के नगर अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद पंचायत पोठियारामपुर। इस बार चुनाव में जा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? हम किसानों के काम के लिए और 5 साल से पहले से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अगले बार कुछ ही मत से हम हार गए, उन कारण इस मरते जो हम पूरा पब्लिक धान का कालाबाजारी हो रहा है। जो भी अध्यक्ष पहले पुराना वो एकदम व्यापारी से माल खरीदते हैं, वो अपना बेचते हैं, किसान से नहीं खरीदते हैं। किसान ये परेशान है, किसान को अच्छे कैंडिडेट की व्यवस्था की है किसानों के लिए? नहीं, कोई ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं है। ऋण मिलता है किसानों को? नहीं नहीं, ऋण भी नहीं दिला। नहीं, नहीं, तो इस बार आप जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे? हम ऋण दिलाएंगे, ट्रैक्टर भी दिलाएंगे, हम वादा करते हैं, खाद का उपलब्ध कराएंगे किसानों के लिए, हर समय तैयार जी जी खड़ा उतरेंगे एकदम। जजमल हसन पुठियारामपुर अध्यक्ष पद के लिए।